सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हमारे साथ हैं चिराग भाई। आपने इनका चैनल तो देखा ही होगा। और आज ये, जैसे कि सबको पता है कि ये रहते हैं टोरंटो में, मैं रहता हूँ वैनकूवर में। तो आज जो है हम देखेंगे, हम कंपेयर करने वाले हैं। अरे भाई, स्नो पड़ रही है यहाँ नहीं पड़ रही, वैंकूवर में थोड़ा स्नो तो नहीं पड़ती होगी, चलो है ना, पर थोड़ी कम पड़ती है, लेकिन पड़ती तो है, देख सकते हो उतनी गाइस, पड़ रही है जितनी अच्छी लगती है। टोरंटो का सबसे पहला बेनिफिट ये अच्छा, इतना अच्छा वेदर देखने को मिलेगा जो आपको वैंकूवर में शायद देखने को ना मिले। ना ना मिलता हो सब है यहाँ पे। तो बेसिकली आज हम कंपेयर करने वाले हैं टोरंटो वर्सेस वैनकूवर, कौन सी जगह पे क्या 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 डिफरेंसेस हैं। क्योंकि काफी लोग पूछते हैं कि टोरंटो जाएं वैनकूवर जाएं, कहाँ पे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ पे सस्ता है, कहाँ पे, मतलब हर चीज के बारे में पूछते हैं। उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं जल्दी से। और एक चीज मैं बता दूं सबसे पहले कि यहाँ पे जो है ना वेदर जो है वो बहुत ही बढ़िया रहता है। सही बताऊँ तो वैनकूवर में उतना बढ़िया वेदर शायद टोरंटो ये में ना मिले। सरासर झूठ है। देखो, अगर आप बाहर आ रहे हो तो कंट्री में आपको अलग अलग वेदर इंजॉय करना चाहिए। देखो सच बताऊं, अभी हम स्नो एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे समर जो होती है बहुत अच्छी है, हमारे एक से एक बीच है, मतलब नाइग्रा फॉल्स आपको पता ही है, सबको सबसे फेमस जगह यहाँ की। पर यार मैं जैसे विजिट करने आया था, आपको पता है वैंकूवर आया था मैं, पर ब्राइटनेस यार एक बात मैंने देखी, आप लोगों की ब्राइटनेस क्यों कम है वहां की यार। क्या कम है यार। ये देखो, ये इतना लाइटनिंग है, मतलब टोरंटो में इतनी ज्यादा लाइटनिंग है ना, जब मैं वैंकूवर आया ऐसा लगा मैं मार्वल से डीसी में आ गया, मतलब भाई गोथम है, अरे गोथम नहीं सिटी है यार, ओ भाई भाई। नहीं नौ दिया बजे डाउनटाउन खाली। मैं। नाइट लाइफ तो देखो है टोरंटो की थोड़ी, लेकिन ओवरऑल वेदर की अगर मैं बात करूँ ना, तो वो वैनकूवर में बहुत प्यारा वेदर है आपको। मतलब ये देखो, आप देखो, मैं यहाँ पे स्वेटशर्ट में हुए, पिज्जा लेने गया था बाहर, मैं बस एक खाली स्वेटशर्ट में चला गया। भाई और अभी टेम्परेचर कितना हो रहा है वहां पे, टेम्परेचर कितना हो रहा है, मेरे यहाँ पे हो रहा है ब्रो -4, मैं यहाँ हो रहा 5, -5 हो रहा है। 5, अच्छा सिर्फ 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 5, फाइव माइनस माइनस नहीं होता यहाँ पे ज्यादा। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो माइनस की ना स्नो पड़ रही है, माइनस में ही सारी बात जाएगी। हाँ बस देख लो फिर, तुम्हें स्नो चाहिए या फिर तुम्हें ऐसे खुले घूमना है आजाद पंछी की तरह। भाई कुछ नहीं है, देखो ये देखो, स्नो में भी ग्लव्स घुस नहीं पाए, आदत पड़ जाती है तुम्हें यार, तुम्हारा खून गर्म है, हम इंडियंस का खून गर्म अच्छा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई नहीं, चलो। लेकिन वेदर में जो है, तुम्हें तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है। अगली चीज पे अगर हम आए वेदर के बाद, तो वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। अब इसमें जो है मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, आप बोल लो देख पहले। कॉस्ट ऑफ लिविंग आपको पता ही है, यहाँ पे घर बहुत ज्यादा सस्ते हैं एज अ स्टूडेंट। देखो आपके, अगर मैं इतने अगर मैं आपको भी पूछूं, आप शेयरिंग में अगर रूम लेते हो कितने का होगा? नहीं। यहाँ पे अराउंड 400 बिल्कुल मिनिमम, और मैक्स अराउंड 400 से स्टार्टिंग होती है, 550 तक जाता है शेयरिंग। और प्राइवेट कितना होगा? प्राइवेट अराउंड होता है कितना होता है, 800 900 होता है। बस यहाँ पे लगा लो प्राइवेट आपको 600 650 मिल जाएगा, और जो शेयरिंग में वो अच्छा 350, यार हाईएस्ट 400 जाता है, उससे ज्यादा जाता ही नहीं। ओ भाई साहब, तो अच्छा एक मैंने कम से कम 3 4 महीने लगाए, उसके बाद जाके मुझे शेयरिंग में मिला 400 में, क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम है 400 से कम में कोई मिल ही नहीं सकता है यहाँ पे। बस यहाँ पे मतलब आपको 350 में मिल जाएगा आराम से, वो भी बढ़िया एरिया में, अगर ब्रैम्पटन मिसा का साइड देखोगे ना, बढ़िया एरिया में जहाँ आपका वॉकिंग डिस्टेंस पे सब कुछ मिल जाता है आपको। वैसे भी आप देख सकते हो ब्रैम्पटन में तो बहुत ज्यादा इंडियन स्टोर है, तो मतलब ब्रैम्पटन में आपको लगेगा ही नहीं आप बाहर आए हो, आपको लगेगा ये मैं नहीं नहीं कहीं सरी में भी सेम है यार। वो तो सेम है। देखो सरी और ब्रैम्पटन तो सेम ही लगा सकते हो। अगर हम टोरंटो और वैंकूवर की तरफ जाएं, मेन सिटीज जो है देख सकते हो, स्टिल टोरंटो में भी आपको बढ़िया मतलब उसमें मिल जाते हैं रेंट्स पे, क्योंकि वैंकूवर में सुना है मैं, वैंकूवर में बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से रेंट पे घर ढूंढना। मुश्किल तो नहीं है, महंगे हैं तो इसलिए मुश्किल है, सस्ता घर ढूंढना मुश्किल है, महंगे तो हर जगह मिल जाते हैं। मैंने ले रखा टोरंटो में, देखा कितना यहाँ सस्ता ले पे रखा है, कितने का, अच्छा 1700 का पूरा अपार्टमेंट ले रखा है, उसमें कितने बेडरूम है, टू बेडरूम वन अच्छा हॉल वन किचन। ओहो सही है यार। यहाँ पे पता है बेसमेंट मिलता है 1200 या 1300 का। नहीं, टू टू बेडरूम तो और महंगा मिलता है, टू बेडरूम कितने का मिलता है, हाँ 1500 1600 का यहाँ पे टू बेडरूम बेसमेंट मिलता है। ये देखा है ना, फिर हम लोग जीते नहीं जीते इसमें नहीं 1500 1600 का भी नहीं यार, 1600 1800 तक का मिलता है यहाँ पे टू बेडरूम बेसमेंट। हाँ हाँ इतने का मिलता है, बेसमेंट्स बहुत महंगे, नहीं यहाँ पे बेसमेंट के हाईएस्ट बेसमेंट या 1200 जाता है टू बेडरूम का, टू ट्वेल्व ओ फिफ्टी तक भाई साहब। 1250 तक चला जाता है मतलब। और यू और बेसमेंट अगर आप, 1200 का हाँ है। बेसमेंट की एक बात यहाँ पे फायदा है कि आपकी यूटिलिटीज जो इंक्लूडेड होती है, तो हाँ आप लोगों का यूटिलिटीज अलग के इंक्लूडेड? नहीं, हमारा इंक्लूडेड है, हमारा 400 में इंक्लूडेड है। अच्छा हाँ, बस तो यही फायदा होता है यहाँ पे। लेकिन एक चीज तो है कि वैंकूवर में वन ऑफ द
मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट है ये चीज, मतलब अगर कोई वैनकूवर में घर खरीदना चाह रहा है ना, उसको वैनकूवर में थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में सबसे वन ऑफ द हाईएस्ट वैनकूवर में रियल एस्टेट। ये तो है, ये तो है। देखो भाई मैं वैसे ही ब्लॉगिंग करता हूँ, ऐसे आज भी ब्लॉगिंग करना पड़ रहा है क्योंकि घर पे हो रहा था शोर, तो भाई ने कहा चलो करते हैं, मैंने कहा चलो यार आवाज आएगी फालतू में, बोल यही दिक्कत हो ओ गई, भाई तो मैंने कहा चलो बाहर ही चल लेता हूँ, थोड़ी स्नो भी दिखा दूंगा, मैंने कहा अगर वैंकूवर वाले लोग देख रहे हैं उन्हें स्नो तो दिख जाएगी। नहीं, स्नो यहाँ पे अभी अभी पड़ी थी, दिसंबर में पड़ी थी स्नो। मुझे तो वैसे पर्सनली, आपको स्नो कैसी लगती है? अच्छी लगती है? स्नो ठीक है, पर उसके बाद जो कीचड़ हो जाता है ना वो बहुत गंदा लगता है मेरे को, सच बताऊं भाई। वही 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 दिक्कत रोड पे चलते हुए चक 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 चक, ये देखो अभी ये जो ये सारा पिघल जाएगा ना, इतना गंदा लगेगा कि मतलब चक चक चक, वो गंदी चीज लगती है, बाकी सब सही है। बाकी तुम्हारे पास ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ट्रांसपोर्टेशन अगर बात करें ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बस बस का कनेक्शन तो वैसे है अच्छा, हाँ और बाकी वो भी चल जाती हैं, स्काई ट्रेन भी चल जाती हैं। कार्ड यहाँ का तो अलग ही है, वहाँ पे टेस्ट होता है शायद, यहाँ पे कंपस कार्ड हाँ होता है। कंपस कार्ड आया था मैं तब देखा था, हाँ तो मतलब कंपस कार्ड का वही सिस्टम है, 2 आवर्स में टैप मारो कहीं भी। हाँ 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 कि एक बार टैप कर दो, उसके बाद फिर 2 घंटे तक वो कहीं पे भी फ्री में चले आओ। और ये वहां पे ये सिस्टम तो नहीं, अगर कि सरी में जो टैप लग रहा है वो मतलब अलग से लगेगा, वैंकूवर में अलग लगेगा, या सेम? हाँ हाँ ये है, यहाँ यहाँ पे 3 जोन में डिवाइड हुआ हुआ है। वैंकूवर का अलग जोन है, सरी का अलग है, एक और अलग जोन है, तो 3 जोन में डिवाइड हुआ हुआ है, तो उसके तीनों के अलग अलग पता नहीं फेयर्स हैं। हाँ तो यहाँ पे 5 जोन है ऐसे, अच्छा। एक ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन ट्रांजिट, मिसागा ट्रांजिट, और थोड़ा उधर चल लोगे, पर मैं तीन मेन की, मैं भी हमारे तीन मेन की बात करता हूँ। एक टीटीसी आ गया, टोरंटो ट्रांजिट, टोरंटो ट्रांजिट कवर कर अच्छा लेता इटोबिक और नॉर्थ यॉर्क, तो वही अगर आप टोरंटो में टैप मार रहे हो तो ब्रैम्पटन में जाके भी आपको टैप मारना पड़ेगा। अच्छा वहां पे एक आपको पता है वैसे प्राइस कितना होता है एक उसका, एक बार चढ़ने का? अगर आप 18 ईयर से मतलब कम हो तो आपका प्राइस होगा लगा लो 2.40 पर टैप। अच्छा 240। अगर आप लाइक 18 ईयर से यंगर मतलब ज्यादा हो तो आपका 3.10 2 आवर्स के लिए, वो आपका सबवे में लगेगा, अपना इसमें लगेगा, नॉर्मल बस में लगेगा। फिर आपको गो बसेस के बारे में पता है, आपके वहाँ चलती है ऐसे गो बसेस वगैरह कुछ? तो हमारे यहाँ होती है गो बसेस और गो ट्रेन, सो ये होती है, ये सिटीज कवर करती है, क्योंकि जो टीटीसी वगैरह वो आपको एक एंड पे छोड़ देगी, उसके बाद आपको वहां की ट्रांजिट लेनी पड़ेगी। पर जो गो ट्रेन है, गो बसेस है, जैसे यहाँ से इटोबी को जाएगी, इटोबी को से मिसिसागा, मिसिसागा से ब्रैम्पटन, ब्रैम्पटन से आगे अलग अलग सिटी कवर करेगी। पर गो बसेस थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जैसे कि आपको उसमें 2 बार टैप मारना पड़ता है, एक बार आप जब चढ़ रहे हो, एक बार आप जब बस से एग्जिट कर रहे हो उसी टाइम, तो एक टैप लगता है अच्छा थ्री सेम कार्ड से टैप हो जाता है उसका, नहीं अलग नहीं बनता से, है कार्ड कुछ? सेम रहेगा प्रेस्टो में, कोई भी आप ट्रांजिट ले लो, काम कार्ड सेम रहेगा। तो $3.10 लगता है जब चढ़ते हो, और फिर लगता है $2.45 उतरते हो, मतलब $6 लगते हैं। अब जैसे ब्रैम्पटन से लोग आते हैं यहाँ पे कॉलेज, टोरंटो मेन कॉलेज सारे टोरंटो है, तो उनको लगा लो पर डे $14 या $15 पे करने पड़ते हैं। ओ भाई साहब, वहां पे ट्रांजिट का सिस्टम तो वैसे अच्छा है ट्रांजिट बहुत ज्यादा सिस्टम है, यहाँ हाँ से, इसलिए लोग जैसे लेकिन वहां पे लोग भी ज्यादा है ना, यहाँ पे लोग बहुत कम है, मतलब बहुत कम तो नहीं लेकिन टोरंटो से कम लोग हैं यहाँ पे। तुम्हारी जगह भी इतनी सी है भाई। अरे कोई नहीं, जितनी भी है बहुत प्यारी सी जगह है। यहाँ पे देखो एक साइड माउंटेन है, विस्लर है, और इतनी बढ़िया हाँ बढ़िया माउंटेन वाली जगह है, दूसरी साइड जो है हमारा ओशन है, बीच है, सिएटल भी है यहाँ, तो यहाँ पास में तो सिएटल है हमारे यूएस यहाँ में, भाई, वहां पे क्या है? हमारे यहाँ नॉर्थ न्यूयॉर्क पड़ जाता है 2 घंटे की ड्राइव पे, पर यहाँ 2 घंटे की ड्राइव पे सिएटल है। न्यूयॉर्क ज्यादा बढ़िया ना फिर। मैं तो न्यूयॉर्क कहीं नहीं गया। में से सियाटल अच्छा आप तो गए हो मैं शायद, नहीं जाने वाला, न्यूयॉर्क जाने वाला हूँ बहुत जल्दी जाने में। वाले हो? सही है। मतलब हमारे तो नाइग्रा फॉल्स है ना जैसे, तो आप सामने भी नाइग्रा फॉल्स है अमेरिका का, इधर भी नाइग्रा फॉल्स है। नाइग्रा के लोग क्या करते हैं, जिनके पास यूएस वीजा है, नाइग्रा जाते हैं, वहां काम करके आते हैं, क्योंकि वहां की पता ही आपको करेंसी अमाउंट ज्यादा है, तो वहां काम करके आता है, वहां पैसा कमाते हैं। तो ये एक फायदा है टोरंटो साइड अगर आप रहते नहीं यहाँ पे भी है यार, यहाँ पे भी लोग सिएटल चले जाते हैं। तो। बाकी कहते कुछ लोग कहते हैं वर्क फ्रॉम होम भी कर लेते हैं, कहते हैं वर्क यूएस फ्रॉम, का क्यों हमारे जैसे ही आप बॉर्डर पार करो थोड़ी डिस्टेंस पे बफेलो आ जाता है, सबसे पहले बफेलो आता है, फिर बफेलो। बफेलो से आपको न्यूयॉर्क जाना पड़ता है। अच्छा यहाँ तो ट्रेन चलती है सीधा वैनकूवर से सिएटल। हमारे यहाँ भी बसेस ट्रेन बहुत, पर बसेस में यह है 12 घंटे की ड्राइव, और प्लेन की 2 आवर्स की, प्लेन की भी 2 आवर्स की है, सीधा डायरेक्ट जाता है यहाँ से जेएफ के सीधा हवाई अड्डे से। वहां पे कोई बढ़िया यूनिवर्सिटीज का बताओ। सब आपको पता ही है, टोरंटो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, अच्छा एक एल्गोमा, एल्गोमा वगैरह तो छोटी होगी यूनिवर्सिटीज, मेन तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, और यार इतना ज्यादा पता नहीं है मेरे को यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, यहाँ जो एक यहाँ की जो मेन यूनिवर्सिटी वैंकूवर में भी तो एक यूनिवर्सिटी, कौन सी है वो?
बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। यूबीसी है शायद, एसएफयू है शायद, मैंने सर, साइमन फेस्टर यूनिवर्सिटी। हाँ शायद वही, नहीं वैंकूवर में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं मैंने सुना है, लाइक एमबीए वगैरह करने बहुत लोग आते हैं इधर, ज्यादा लोग एमबीए वगैरह करने नहीं आते अच्छा, इधर। टोरंटो में आईटी का ज्यादा है ना? हाँ टोरंटो में आईटी बहुत ज्यादा है, आईटी लगा लो, बिजनेस बहुत ज्यादा है यहाँ का, बिजनेस सबसे ज्यादा, मतलब बहुत सारे बढ़िया कॉलेज है बिजनेस के। मैं डिप्लोमा डिग्री करनी है तो टोरंटो बेस्ट है सच बताऊँ अगर, अच्छा, ऐसा क्यों क्योंकि यार? यहाँ है कुछ कॉलेज हैं जो मतलब आईटी हो जो मर्जी हो आपको प्लेसमेंट कराते के देते हैं, तो अगर आप सिर्फ पढ़ने के लिए आ रहे हो तो मतलब टोरंटो चूज कर सकते हो आप लोग, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉलेज, जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है, अलग अलग कॉलेज हैं, वो आपको ना बाद में लोलिस्ट कॉलेज है आपको प्लेसमेंट दिलाते हैं, तो आपको मेन तो जॉब ही चाहिए ना अच्छी, कब तक आप, यहाँ पे नहीं है ज्यादा प्लेसमेंट का। हाँ तो कब तक आप लोग वो लोग ये छोटी मोटी जॉब्स करोगे ना, जनरल लेबर सिक्योरिटी, हम ये तो जस्ट स्टूडेंट लाइफ के लिए है सच बताऊं, आपको सही बात है। आपका गोल तो मेन है ना कि अच्छी जॉब लेनी ताकि आप अच्छे पैसे कमा सको, अच्छे लाइक स्टैंडर्ड लिविंग, तो प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। सही, एक तो है, और एक टोरंटो और वैंकूवर इतनी दूर दूर है ना, बिल्कुल एक बिल्कुल ही राइट साइड में, हाँ एक ईस्टर्न साइड में, और एक यहाँ पे वेस्ट साइड में बिल्कुल, बहुत अलग, और बहुत बाकी सब इसके बीच बीच में आता है सारा। बीच में जो फिर पता ही खाली है सारा, विनिपैग, नोवा स्कोशिया, नहीं वो तो पीआर ऑप्शन भाई, है, कुछ लोग चले, हाँ वो पीआर के चले पीआर आते हैं, के या लिए। फिर कुछ लोग कैलगरी एडमिंटन चले आते हैं। हाँ वो भी ठीक है यार, पर आपको पता ही मेन जो मतलब टोरंटो, तो आपको पता ही कितनी मतलब हाई एडवांस सिटी है यार, मतलब बढ़िया। लेकिन लेकिन जिस बंदे ने एक बार वैंकूवर में सरी में रह लिया ना, वो कहीं और नहीं रह सकता, यहाँ का इतना भाई मैं कह रहा हूँ प्यारा जो वो एक चीज बंदा है ना। टोरंटो और ब्रैम्पटन रह लिया वो नहीं रह सकता, अरे नहीं यार, ये इतने सारे बंदे वो टोरंटो से आए हैं पता है, यहाँ नहीं पे यार सिर्फ वेदर और यहाँ के इन्वायरमेंट को लेके। हाँ यार, ये ना आप अपनी सिटी को गलती नहीं होती, मैं अपने के लिए गलत होऊंगा नहीं। लेकिन सच बात तो सच है। देखो ब्रैम्पटन तो आपको पता ही है पूरा ऐसा हो रखा है कि मतलब आपको लगेगा ही नहीं आप बाहर आ रखे हो, लाइक फॉरनर्स वहां देखने इतने मुश्किल है ना, इतने ज्यादा। हम टोरंटो रह रहे हैं यहाँ, मतलब मुश्किल से हम लोग इंडियंस बहुत कम है, मतलब तीन तीन चार दिख गए दिन में, नहीं तो नहीं। और ब्रैम्पटन साइड आपको फॉरनर ऐसा लगेगा कि फॉरनर घूमने आ रखे हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत इंडियंस हैं यार, यहाँ वैंकूवर में भी जाता हूँ, वैंकूवर में भी यहाँ पे हर 10 में से 2 इंडियंस नहीं तो नहीं होते ही नहीं हैं। टोरंटो बहुत मुश्किल से आपको इंडियंस मिलेंगे ज्यादा, यहाँ पे पॉपुलेशन टोरंटो साइड है, आपको श्रीलंकन तमिल की ज्यादा मिलेगी, श्रीलंकन टाइप, और बांग्लादेशी लोग भी बहुत हैं, बहुत ज्यादा बांग्लादेशी लोग हैं साइड, बांग्लादेशी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इस साइड, मिनिमम वेज कितनी है वहां पे? 1550। यहाँ है 1565, 15 सेंट ज्यादा पर है। क्या फायदा अगर तुम्हारे वहां इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है उसका तो हम क्या ही कर सकते यार, हैं। पेट्रोल का दाम देखा मैंने हमारे यहाँ, जगह मान लो उस टाइम 1.45 चल रहा था, उसी जिस टाइम मैं वैंकूवर हाँ गया था तुम्हारे वहां देखा 2 पॉइंट कुछ चल रहा था, तो मतलब $1 वो अब महंगा नीचे आ चुका है, फिर अब नीचे आ चुका, उस टाइम बहुत ज्यादा था, यार अब धीरे धीरे कम हो रहा दो है। तीन महीने की बात है पर $1 ज्यादा था भाई, तो मतलब गाड़ी लेने का तो बहुत मुश्किल चांस होंगे वैंकूवर में तो नहीं, ऐसा भी नहीं है यार। यार। लेकिन यहाँ मिनिमम वेज 15 सेंट ज्यादा है। चलो 15 सेंट क्या भाई, खर्चे भी तो होंगे, खर्चे भी तो ज्यादा ही है वहाँ, यहाँ पे ये है खर्चे बहुत कम है आपकी, अगर आप मान लो मंथली ग्रोसरी करते हो अच्छी खासी, कितने की होती है पर पर्सन लाइक, कितने की होगी मैं तो करी नहीं पता जब से ग्रोसरी, आदत टिफिन, नहीं हो गई टिफिन मेरी, अच्छा टिफिन टिफिन वगैरह का, वो। टिफिन लगा रखा आपने, तो टिफिन का क्या प्राइस है, हाँ, टिफिन मेरे आता है $230 जाते हैं पर मंथ, कितने दिन, 230, 230 मेरा आता है, वो ही अपना 24 दिन आता है पर मंथ, पर ट्वेंटी वीक फोर फाइव डेज डेज या सिक्स, हाँ वही 5 नहीं 6 डेज ही मान लो। हाँ, और क्या दिन में कितनी रोटी कितनी सब्जी। 6 रोटियां, हाँ चावल, हाँ 2 सब्जियां, और सैलेड भी आता है, पिकल भी आती है, कटलरी भी आती है। अब मैं बताता हूँ अपना, मैं था ब्रैम्पटन जो मैंने टिफिन लगवाया था, हाँ $120 ठीक है, हाँ 120 डॉलर पर मंथ देता था, जिसमें अच्छा भाई मतलब सब्जियां ऐसे लगी हुई थी, मतलब बफे लगा है आपने टिफिन, क्योंकि मेरे घर के पास था ना, मैं टिफिन लेने जाता था, नहीं तो डिलीवर करते थे, तो भाई मनपसंद सब्जी मतलब 10-12 तरह की सब्जियां हैं ठीक है, उसके बाद आपको रायता लेना है या मिठाई में लेना है, गुलाब जामुन लेना है, रसगुल्ले लेने हैं या गाजर का हलवा लेना है ठीक है भाई, 8 रोटियां थी, बस अच्छा चावल नहीं थे, बाकी इतने इतने कंटेनर्स थे, तो सोच सकते हो $120 में आप, आपको पर मंथ मिल रहा है, और क्या ही चाहिए क्या ही चाहिए। सही नहीं है तो सही बात है। नहीं, अगर महंगा तो है वैनकूवर, लेकिन ये है कि वो कॉस्ट जो है ना, वो यहाँ रहने की है, क्योंकि यहाँ पे जो रहते हैं ना, वो काफी अच्छे से रहते हैं लोग,
यहाँ पे स्ट्रगल मतलब वो नहीं करना पड़ता कि तुम ऐसे स्नो स्टॉर्म में जा रहे हो, रात को यार बस बसें भी नहीं चल रही, नहीं बसे नहीं बर्फ ब्रो, जमी ये देखो, जाने लगा। ये देखो स्नो स्टॉर्म अभी आ रखा है पर बस वो जा रही है, दिख रही है आपको, बसेस की दिक्कत नहीं आती, ये गलत इल्जाम लगा रहे हो आप हम पे। ओके यहाँ पे मैं सुना भाई, फ्रोस्ट वाइट हो जाती है ज्यादा। ठीक है भाई, अच्छा अच्छा सब्सक्राइबर मिल अच्छा गए हाँ तो। जी हाँ जी, बढ़िया। कहाँ गए, कहाँ से आ गए भाई? मेट्रो? अरे मेट्रो भी जा रहे हो, बहुत महंगा है भाई, महंगा उसके पीछे चल जाओ, फ्रेस्को चल जाओ। हाँ आपको भी है क्या टोरंटो में? अच्छा अरे मेट्रो महंगा भाई, मेट्रो में ना वो है क्या कहते हैं, इंडियन सामान नहीं मिलेगा, तो उसके पीछे फ्रेस्को, वहाँ चल जाओ, इंडियन सामान मिल जाएगा बढ़िया, हम भी वहीं से करते हैं यार। मैंने देखा भाई आप इसके आई मैच स्क्रीन पे रहते हो। हाँ हाँ इधर ही मेरा घर है भाई पीछे, तो आप लोग भी यहीं रहते हो? मैं यहाँ बिल्डिंग बिल्डिंग अच्छा करता हूँ। इसमें ठीक हाँ है बढ़िया, कौन सा कॉलेज है भाई? मेरी सैनिक का, अच्छा सैनिक का। आपका भाई? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा आप जॉब वर्क परमिट पे आप? स्कोशिया बैंक अच्छा, स्कोशिया बैंक में, क्या बात, इसी वाले में? नहीं इसके दूसरी है, डाउनटाउन। अच्छा 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 ठीक है ठीक है, और ठीक है भाई मिलते हैं, वहाँ वीडियो बना रहा था, भाई भी यूट्यूबर करता ना, हाँ भाई के साथ बना रहा था। ओके भाई सही है, बढ़िया भाई बढ़िया टोपी में चाल दिया सही है यार। तो भाई ये टोरंटो में ऐसा नॉर्मल होता रहता नहीं, यहाँ मुझे केपीयू में बहुत लोग मिलते हैं। ये तो है भाई, देखो बढ़िया लगता है यार मिलके, अच्छा लगता है भाइयों से, मजाक हाँ नहीं, ये तो बहुत खुशी होती है, रहता कोई अच्छा कर रहे हैं कि भाई और पहचान रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब भाई कॉलेज में मिलते रहते हैं, मतलब खुशी होती है सब देख के ना कि कुछ अच्छा हो रहा है। मेरा दोस्त बता रहा था कि टोरंटो में फ्रोस्ट बाइट हो जाती है ऐसे, वो हाथ वात सुनने जाता है, फिर हाथ वात कटवाना पड़ता है अगर ज्यादा ठंड लग गई तो। है कहानी बनाने को तो 100 कहानियां बना लो यार भाई, ये घूम रहा हूँ आपके सामने, ग्लव्स भी नहीं पाए, -5 अभी अभी डिग्री ज्यादा, अभी ज्यादा ठंड नहीं हो रही ना, यार, अगर ज्यादा ठंड हो गई तो। -5 ब्रो, ऐसा कुछ कितना जाता है मैक्स, कितना जाता है, कितना नीचे जाता लास्ट है टाइम गया था -20 गया था लास्ट टाइम मेरे ख्याल से, हाँ मेरे को याद है जितना -20 गया था एक दिन, -17 -18 तो यहाँ पे भी गया, एक बार ही गया लेकिन बस। वो हमारे पिछली बार सबसे हाईएस्ट ना स्ट्रोम आया था, आपको पता होगा वो आया था, स्ट्रोम आया था मेरे ख्याल से जिस दिन हम 3 दिन ना मतलब घर पड़े रहे थे, हमारा ना पूरा घर, मैं कह रहा हूँ घुटनों तक ना पूरी बर्फ भर गई थी उस दिन हम काम पे गए थे, सोचो डेडिकेशन देख रहे हो। अच्छा हाँ नहीं यहाँ पे छुट्टी हो जाती है तो गाइज, अगर आपको छुट्टी चाहिए काम से तो आप वैंकूवर आओ, यहाँ पे जिस दिन ज्यादा स्नोफॉल हो जाती है ना उस दिन छुट्टी हो जाती है, उस दिन गाइस कहते हैं कि सब लोग घर पे यहाँ बैठो, पे क्योंकि काम यहाँ पे नहीं, लोग, हाँ बोलो बोलो क्या क्या, बोलो बोलो, यहाँ पे लोग प्रिपेयर नहीं होते स्नो के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्नो पड़ती इतनी कम है, यहाँ पे पता नहीं अराउंड 3 या 4 बार पड़ी होगी मैक्स, 3 या 4 दिन स्नो पड़ी होगी, और अभी शायद अभी परसों पड़नी है, तो बहुत कम स्नो पड़ती है इसलिए लोग प्रिपेयर नहीं होते, इसलिए जब ज्यादा स्नो पड़ जाती है तो सीधा छुट्टी करते हैं, कहते हैं कौन टेंशन ले घर गाइस बैठो। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ मनी को प्रेफरेंस दी जाती है कि भाई आपको पैसा कमाना है ना आप, तो छुट्टी क्यों मारनी, बसें चल अच्छा रही हैं, जब सब कुछ सुविधा है तो छुट्टी क्यों मारनी, हाँ तो इसलिए भाई टोरंटो आओ पैसा कमाओगे। ये देखो मैं टीम होटल से आया हूँ, कॉफी पी लूंगा, चलो मैंने ये सुना है, हाँ, वो तो सही है, लेकिन मैंने ये सुना है कि यहाँ पे टोरंटो में ना डिप्रेशन ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हर जगह देखो स्नो ही स्नो है, तुम्हें आज रात कहते हैं स्ट्रीट पे बताओ अकेले जाओगे और हर जगह स्नो है, इतनी मुश्किल आएगी, यहाँ पे डिप्रेशन के चांसेस बहुत कम है। नहीं ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ, यहाँ पे ना यार ये मेरे ख्याल से टोरंटो की नहीं, मतलब ये सिर्फ पूरे कनाडा की है यार, कि विंटर्स विंटर्स डिप्रेसिंग होती हैं, हाँ ये तो है, है ना। विंटर्स कुछ लोगों के लिए मतलब बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो जाती है, क्योंकि कहते हैं हर जगह एक तो बहुत डल सा माहौल हो जाता है ना, पूरा ही डल हो जाता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, धूप भी नहीं निकलती। धूप यार आप जो बेसमेंट में रह रहा है ना बंदा, वो तो 100% डिप्रेस होगा विंटर्स में, 100%, क्योंकि यार आप मान लो किसी दिन अकेले हो गए ना घर पे, ठीक है आप अकेले हो घर पे, ऊपर से ना वहाँ लाइट आ रही, ना सनलाइट आ रही, कुछ नहीं आ रहा, मैं क्योंकि मेरे दोस्त रहते थे ना बेसमेंट, वो बोलते थे यार भाई हमारा तो दिमाग खराब हो जाता है, दीवारें ना खाने को पड़ती हैं, मतलब मुहावरा नहीं, दीवारें खाने को पड़ती है, मतलब क्योंकि तुम भाई अकेले हो, तुम्हारे दिमाग की वही बातें चलती हैं, इंडिया की याद आ रही है, घर के होता ये करता वो करता, तो इसलिए विंटर्स तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है, मेरे ख्याल से पूरे कनाडा की कहानी है, इसलिए बहुत सारे लोग ना डिप्रेशन से जूझते हैं। एक एक वैंकूवर में चीज जो मुझे अच्छी नहीं लगती ना वो है, यहाँ पे बारिश बहुत होती है, हाँ यहाँ पे हर हर दूसरे दिन बारिश हो जाती है, इतनी इंडिया वाली बारिश नहीं होती, इंडिया में जब देखा होता है इंडिया में बारिश होती है बिल्कुल से भयंकर वाली, कि आसपास आवाज आती है बहुत बारिश की, बहुत ज्यादा तेज बारिश गिरती है, यहाँ पे इतनी तेज नहीं होती, हल्की हल्की बारिश गिरती रहती है, ड्रिजलिंग होती रहती है, लेकिन चलती है वो पूरे दिन। बस, और यहाँ पे ये है कि मतलब तुम्हें पहले ही पता लग जाता है बारिश होनी है, बारिश बहुत कम होती है, मेरे सच बताऊँ तो बारिश बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि इतनी मैंने बारिश यहाँ देखी नहीं, होती भी तो है मेरे को पसंद नहीं, सच बताऊँ बारिश बहुत घटिया है यहाँ की यार। हाँ ये तो सही बात यार है। ये देखो ये कीचड़ अभी ना, ये सारी स्नो ना कीचड़ बन जाएगा, ये बहुत गंदी चीज लगती है कि जब कीचड़ बन जाता है ना, हाँ
मतलब बहुत गुस्सा आता है यार, चलने का मन नहीं करता। हाँ ये तो यहाँ पे भी होता है। मैं तो हर मुझे तो एक अम्ब्रेला और साथ में विंटर के मतलब ग्लव्स ग्लव्स जो भी होता है ना, जितना उस बारिश का सामान है वो मुझे हमेशा अपने बैग में रखना पड़ता है कि कभी बारिश हो हाँ सकती है या फिर किसी भी दिन बारिश हो गई तो बस निकाल के रख लो, एक अम्ब्रेला तो रखना पड़ता है यहाँ पे आप लोगों को स्नो जैकेट भी पानी पड़ती है? ना। स्नो जैकेट मैंने ली, लेकिन मैंने वो सिर्फ कितने कहते हैं अराउंड 2 हफ्ते पहनी होंगी, उसके बाद बस उसके बाद तो फिर स्नो ही खत्म हो गई। उसके बाद तो अब ऐसे भी देखो मैं स्वेटशर्ट में घूम रहा हूँ, एक जैकेट है यहाँ पे लेकिन जरूरत नहीं पड़ती। हमारी तो कंपलसरी है भाई, पहननी ही पहननी है। तो जिनको ज्यादा कपड़े पहनने अच्छे नहीं लगते वो वैंकूवर आ जाओ। नहीं, ये झूठ है। देखो स्नो जैकेट पहनी है, ये देखो स्नो जैकेट के साथ एक बस एक टी शर्ट पहनी है और कुछ नहीं पहना भाई, ये झूठ है। उतार के रख दूंगा घर पे बस नीचे, तो क्योंकि यहाँ पे हीटर नहीं है ना, हीटर सिस्टम बहुत बढ़िया हीटर सिस्टम है यहाँ का, मजाक नहीं है हटके। मतलब आप कहीं भी ये तो है फिर बस ये। बस में जा रहे हो, मतलब ये तो पूरे मतलब बस में जा रहे हो कहीं खड़े हो यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया सिस्टम है। एक चीज यार, ये चीज जो मैं मिस करता हूँ ना, जो मुझे थोड़ा गुस्सा आता है वो ये है कि वैंकूवर में ना इवेंट्स बहुत कम होते हैं टोरंटो से नहीं कंपेयर्ड। यहाँ तो जो भी भाई, यहाँ जैसे कोई स्टैंड अप कॉमेडियन आ रहा है इंडिया का है ना, हाँ जैसे हाँ कोई कोई स्टैंड अप कॉमेडी करने आता है या फिर मान लो कोई सिंगर विंगर आ रहा है, तो उनका मेन प्राइमरी स्पॉट टोरंटो ही होता है। सेकेंडरी होता है कि चलो एक बार टोरंटो में शो कर लिया उसके बाद फिर वैंकूवर में कर लेते हैं, ऐसा होता है। लेकिन मेन जितने भी वो होते हैं ना वो सारे शोज वो सारे टोरंटो में ज्यादा होते हैं। यहाँ तो भाई आपकी समर्स आ गए ना, ये सोच लो मतलब आपके इवेंट्स आने शुरू हो गए, मजाक नहीं। क्योंकि यार जो ये है ना मतलब वाइट लोग, ये लोग इंजॉय ही वो 4 मंथ्स करते हैं समर के, वो 4 मंथ्स। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि यार स्नो में भाई मजाक नहीं, घर से बाहर नहीं निकलते ठीक है, पर वो 4 महीनों में ना ब्रो ये घर नहीं घुसेंगे ठीक है, इसलिए ना उस टाइम सिक्योरिटी का जो काम है वो यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। क्योंकि एक एक इवेंट में मान लो 250-300 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, तो कंपनियां उस टाइम ऐसे हायर कर रही होती है कि भाई आओ आओ सिक्योरिटी चाहिए सिक्योरिटी चाहिए। पिछली बार द वीकेंड आया था, ड्रेक आया था, अच्छा बिली आइलिश आई थी, हैरी स्टाइल्स आया था, अब इंडियन की बात करूं अपना वो एपी डिल्लो वगैरह आए थे, दिलजीत आया था, और भी बहुत आए थे यार, अरिजीत सिंह आया अगर था। किसी को सिक्योरिटी लाइसेंस और सिक्योरिटी जॉब के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए तो चिराग भाई के चैनल पे जा सकता है, बहुत सारी वीडियोस अपलोडेड है हाँ भाई सिक्योरिटी का सिक्योरिटी से अगर रिलेटेड। रिलेटेड कुछ भी चाहिए आपको मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा के लिए, कोई भी सेवा के लिए टोरंटो साइड चाहिए मुझे फॉलो करें। और वैंकूवर जाने के लिए मुझे फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम आईडी बताओ यार। वही है चिराग डैश जो भी होता है अंडरस्कोर गोंडी, हाँ यहाँ पे डाल दूंगा मैं, हाँ डाल दूंगा मैं। डाल देना भाई फॉलो कर और कोई लेना, पॉइंट है? पॉइंट तो बहुत है। और बताओ। किसके बारे में बात करें और बताओ आप अपने कुछ खास बताओ ना वैंकूवर के बारे में। वैंकूवर के बारे में क्या खास है? वैंकूवर में यहाँ पे विस्लर है, विस्लर में यहाँ पे होती है बंजी जंपिंग बहुत बढ़िया वाली, अभी मैं करके आने वाला हूँ, ओ 150 डॉलर की टिकट है हमारे यहाँ वहां पे। एक बार ये बताओ वहां पे घूमने की 3 बढ़िया जगह बता दो, मैं यहाँ पे 3 बढ़िया जगह बता दूंगा। अच्छा तो हमारे यहाँ सबसे पहले आती है नायगरा फॉल्स, ब्लू माउंटेन आ गई यहाँ पे आपकी, जाता ही है। ब्लू माउंटेन ओके, ब्लू माउंटेन और तीसरी है मेरे ख्याल से टोरंटो नहीं है दूर, थोड़ा टोरंटो से दूर है ओटवा साइड लगा लो, क्योंकि ओटवा आपको पता ही है यहाँ की वो है मेन। हाँ तो मतलब टोरंटो में तो अपना ये मेन तो लोग सीएन टावर घूमेंगे, अगर टोरंटो अब डाउनटाउन की बात करो सीएन टावर हो गया, एक्वेरियम हो गया, रोजर्स एरिना में बहुत बढ़िया मैचेस होते हैं। मेरे ख्याल से ना रोजर्स एरिना बहुत जल्दी अब क्रिकेट मैच भी शुरू करने वाला है, क्योंकि अगले साल वो है ना जो अपने फीफा वर्ल्ड कप, अगले साल नहीं मतलब जो अगला फीफा वर्ल्ड कप है वो कनाडा में भी है, तो मेरे ख्याल से जरूर ना जरूर रोजर्स एरिना रीबिल्ट हो रहा है, तो जरूर ना जरूर मैच हमारे यहाँ पे जरूर होंगे। रॉजर्स एरिना तो यहाँ पे भी है यार। हाँ रोजर्स एरिना वहाँ पे भी है, तो शायद आपके हाँ वहाँ भी हो, यहाँ पे पर भी है। हमारे यहाँ रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसको, फुटबॉल ग्राउंड बना रहे हैं अरे वाह इनके हिसाब सही से, यार। सोकर सोकर यहाँ पे है ना विस्लर बहुत बढ़िया घूमने की जगह है, यहाँ पे हिल स्टेशन है, वहाँ पे स्कीइंग भी करते हैं, स्नो ट्यूबिंग होती है, बंजी जंपिंग होती है, तो वहाँ पे तो एक मेरे जाने का प्लान है। और एक यहाँ पे ये यह है कि यहाँ पे सस्ती मतलब वो तो हो जाएगा, मेरा राउंड लग रहा है कि 250-300 डॉलर की आराम से बढ़िया ट्रिप बन जाएगी। और यहाँ पे विक्टोरिया है घूमने की जगह, हाँ हाँ बाकी अभी मैंने यूएस वीजा फाइनली मैंने अप्लाई कर दिया, तो मैं सोच रहा हूँ सिएटल घूमने जाऊँगा, यहाँ से दो नहीं घंटे की जाओ ड्राइव भाई पे है। यही, हाँ तो बढ़िया ना घूम के आओ यार वैंकूवर में। इस बात की मैं एग्री हूँ कि भाई बहुत घूमने की जगह बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा ग्रोस माउंटेन हो गया, पता नहीं कौन कौन से माउंटेन है। टोरंटो में थोड़ा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट हाँ ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे नेचर वाली ब्यूटी हाँ ज्यादा है नेचर ज्यादा वैंकूवर है में। वो, इस बात पे तो ब्रो 100% एग्री करता हूँ। बट ये है अगर ये अब तुम ये बता रहे हो तो वही बता दो ना जरा अपना डाउनटाउन के बारे में, रात को 11 बजे के बाद नहीं निकलना चाहिए, थोड़े होमलेस तो गाइस। वहां पे नहीं होता, टोरंटो में नहीं होता। भाई यहाँ पे सिर्फ
हमारे यहाँ जो आपको पूरा डाउनटाउन है ना, मतलब पूरा डाउनटाउन, वहाँ सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक एरिया डंडास, आपने देखा ईटन सेंटर, वो बड़ी स्क्रीन लगी है जहाँ, मैंने सुना होगा यार, वो बड़ी बड़ी फोटो वोटो में देखा होगा, लाइक न्यूयॉर्क की कॉपी। हाँ तो वैसा बस एक जगह है जहाँ पे लाइक होमलेस ज्यादा रहते हैं, मतलब होमलेस तो यहाँ है ही, बस वो एरिया थोड़ा डेंजरस है रात को जाने में। पर जैसे मैं भाई मेरे को उन्होंने दिखाया था, मैं घूमने गया था वैंकूवर, तो भाई वहां तो तंबू लग रखे हैं लोग, मतलब होमलेस कैसे पागल हो रखे वो, हैं। वही स्ट्रीट थी यार वो आप भी उसी स्ट्रीट पे गए थे, जैसे वहां पे वो स्ट्रीट है, यहाँ पे ईस्ट हेस्टिंग्स या स्ट्रीट है, हाँ। और यहाँ पे उसी स्ट्रीट पे कहते हैं उन्होंने टेंट वेंट लगाए हुए हैं पूरी स्ट्रीट का, मतलब भाई 500 मीटर तक ना लंबे सबने होमलेस लोगों ने स्ट्राइट टेंट लगाए, वहां पे ड्रग एडिक्शन बहुत है, वहां पे ऐसे तुम्हें सिरिंजेस पड़ी हुई मिल जाएंगी जमीन पे, और मतलब वहां तो बुरा हाल है सही में। ये चीज ना इंडिया में पता नहीं चलती, इंडिया मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ कुछ मुझे होता होगा, सेम लेकिन सेम ये सेम चीज यहाँ पे देखता हूँ ना, उससे पहले जब मैं पहली बार उस स्ट्रीट पे गया था मैं गूज बम्स आ गए थे, ये क्या चल रहा है यहाँ भाई, पे, मैं कह रहा हूँ ऐसा बहुत गंदा सीन। ज़ोंबीज, मजाक नहीं ज़ोंबीज लग रहे थे वो, हाँ, सेम सही में ऐसे होता है। ज़ोंबीज फील आ रही थी, लाइक पागलों की तरह लोग चले जा रहे हैं, मतलब और ज्यादा कभी कभी ज्यादा ड्रग करने से उनकी कमर टेढ़ी हो जाती है, तो हाँ टेढ़ी कमर लेके ऐसे ऐसे चलते हैं और तुम्हें लगेगा कि पता नहीं कौन है ये, ऐसा तो इंसान होते ही नहीं। वही भाई, मतलब मैं भी क्या था, मुझे कह रहे तुम्हें दिखा के लाता हूँ, मैं कहा दिखा के ला भाई, मैं तो डर गया भाई देख के, मैं कहा ये क्या ज़ोंबी टाइप आ गए भाई। अच्छा टोरंटो में इतना नहीं है जितना यहाँ नहीं पे। नहीं 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 यहाँ पे है मतलब, बट वो है कि इतने वो नहीं है कि अग्रेसिव आपको अटैक करेंगे आप कुछ करेंगे, नहीं अटैक वाले तो यहाँ पे नहीं भी नहीं नहीं है जब तुमको छेड़ो ना। हाँ यहाँ पे मतलब जैसे टीम में होटल ना 24/7 वहाँ अंदर बेचारे बैठे रहेंगे कि उनपे घर नहीं आया, ऑब्वियस सी बात है, तो अंदर चुपचाप कॉफी लेके अपनी बैठे रहेंगे, कॉफी पियेंगे बैठे रहेंगे, सुबह उनका वेट करेंगे, तो मतलब ऐसा नहीं है कि रोड पे तंबू लगा रखे हैं लाइक वहां सो रहे हैं। नहीं यहाँ पे लेकिन वो है अपना क्या, तो यहाँ पे होमलेस लोग बहुत ज्यादा है, मतलब मुझे लग रहा है कि फिर यहाँ टोरंटो से ज्यादा होमलेस लोग हैं, हाँ और सब लोगों ने अपने टेंट भी लगाए हुए हैं अपने, हाँ और वो अभी अभी कुछ आया है यहाँ पे वैनकोरी गवर्नमेंट का कि टेंट वेंट को हटाना है, लोगों को रिलोकेट करना है, लेकिन ये पता नहीं कितना होता है, नहीं लेकिन नहीं यहाँ नहीं पे तब तक जो है ना बहुत गंदा हाल हुआ पड़ा है, एक एक पर्टिकुलर एरिया में डाउनटाउन के, बाकी सब जगह ठीक है। ये तो यार यहाँ रहेगा लोग ना यहाँ पे, क्योंकि ड्रग्स एडिक्ट होता है तो यहाँ पे ये सब तो रहेगा, मतलब ये हट ही नहीं सकता है यहाँ से यार, वीड जहाँ पे लीगल है वहां पे क्या ही होगा। अभी मैं कहाँ खड़ा हूँ देखो, वीड स्टोर के बाहर ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, खड़ा हो गया, कहीं और जगह नहीं मिली, और मेरे साइड से भी 20 लोग चले गए अभी वीड वगैरह लेके। हाँ हाँ यहाँ पे स्मेल बहुत आती है यार। यार लीगल है, मैं कह रहा हूँ मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ, लोग आराम से वीड पी रहे हैं, मतलब तभी भाई जो स्टूडेंट आ रहा है वो ध्यान रखना है इन चीजों में, तुम आके बहुत पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीगल है ये सब चीजें, हाँ यहाँ पे लीगल है ये सब मैं चीजें। देखा है बहुत लोग कर लेते हैं, वेप वेप भी बहुत लोग करते हैं, वेप वेप तो तो मैं कह रहा चलो हूँ छोटी नॉर्मल चीज होगा है, लोगों के लेकिन लिए, पर ये नहीं हाँ पता ये, हर हर हाँ दूसरे बच्चे के 13-13, 1400 साल के बच्चों के हाथ में वेप होता है यहाँ पे भाई तो। मैं मैकडोनल्ड्स में सिक्योरिटी करता हूँ, वहां मैं कह रहा 14-14 साल के बच्चे आते हैं वीड पी रहे अंदर आके, उनको मेरे को धक्के मार के निकालना पड़ता है, तो मतलब 14-14 साल के अरे लड़कियां भी, लड़के लड़कियां सब अरे वीड पी रहे हैं, हाँ मतलब भाई तुम लोग यहाँ होगे इन सब चीजों में बहुत पढ़ने के चांसेस होते हैं, तो अपना माइंड सेट तेज ये तो दोनों रखना साइड पे ही है, दोनों साइड पे बच करो। सॉरी, क्योंकि भाई तुम्हारे दोस्त होंगे तुम्हें फोर्स करेंगे भाई लगा ले वेप लगा ले वीड लगा ले ये कर ले, पर तुम्हें अपने आप को रहना, क्योंकि एक बार तुम इन चीज में पड़ गए ना तुम बस सोच लो तुम लोग बाहर नहीं निकल सकते, कितने स्टूडेंट्स ने मेरी लाइफ बर्बाद कर लिया इसी चक्कर में, ये तो है। बस यही है और तुम्हें लगने का कोई पॉइंट पचाया पचाया कुछ? मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ बस यही था सब है ना। भाई यही जॉब्स के बारे में बात कर लेते, चलो जॉब्स के बारे में भी बात करी, तो हाँ जो कि चलो तुम्हारे वहां अगर हाँ बात करें तो जॉब्स किस चीज की ज्यादा है, तुम क्या सोचते हो? यहाँ पे अभी तो देखो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ना अभी कितना चल रहा है, जनवरी चल रहा है 2023 का, और अभी जो है ना जॉब मार्केट यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है, यहाँ पे मुझे इतने मैसेज आ रहे हैं ना रोज के कि जॉब दिलवा दो जॉब दिलवा दो, यहाँ पे तो बड़ा गंदा हाल हुआ पड़ा है सेम जॉब का, लेकिन लेकिन टोरंटो से कम जॉब है लेकिन यहाँ पे मिल जाती है, जैसे फूड वूड चेन में यहाँ पे टिम हॉर्टन्स में मैकडोनल्ड्स में थोड़ी बहुत वेयर हाउस में मिल जाती है, सिक्योरिटी की ज्यादा नहीं है लेकिन सिक्योरिटी में मिल जाती है थोड़ी थोड़ी, हर सारी जॉब है थोड़ी थोड़ी, लेकिन टोरंटो जितनी बड़ी मार्केट नहीं है उससे थोड़ी कमी है। सेम यहाँ हाल है इस टाइम, मैं कह रहा हूँ भाई मेरे पे दिन में 50 मैसेज आ रहे हैं कि भाई जॉब चाहिए, हम ब्रैम्पटन रह रहे, मिसा कर रहे हैं, टोरंटो रह रही है, और यार एक तो सबसे जो गलत बात मेरे को लग रही है कि भाई नया बंदा आ रहा है आते ही $350 $400 का सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा रहा है, जो मेरे को बहुत गलत बात लग रही है, क्योंकि भाई तुम नए आ रहे हो तुम्हें पहले अपनी नॉर्मल छोटी जॉब ढूंढनी चाहिए, तुम सोच रहे हो अगर आते ही सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी तो भाई तुम लोग गलत हो, आते ही अपने पैसे मत फूको, ये सबसे बड़ी गलती है जो एक इंटरेस्टेड स्टूडेंट कर रहा है आके, क्योंकि तुम यार आते ही तुम अपनी GIC सेव करो, क्योंकि अभी रिसेशन आने वाला है, जो सबसे बड़ी बात है हम समझ के रहना चाहिए, रिसेशन आने वाला है तो हमें भाई बच के रहना पड़ेगा, ऊपर से तुम अपने पैसे उड़ा रहे हो, क्योंकि सिक्योरिटी जॉब यार मैं कह रहा हूँ अगर 3 में से 1 बंदे को बुलाऊंगा ना वो कहेगा भाई मुझे सिक्योरिटी की जॉब दिला दो, अब भाई मैं तो 1 साल हो गया 1.5 साल हो गया मैं सिक्योरिटी की जॉब में, मतलब सिक्योरिटी पहले नीचे शुरू की फिर अभी मतलब पक्के हो गए इतने मेरे वो हो गए कॉन्टेक्ट हो गए कि हाँ मैं सिक्योरिटी जॉब ले लेता हूँ,
बट तुम ये ना सोचो तुम आते ही सिक्योरिटी की जॉब मिल जाएगी। हाँ अगर तुम्हारा पक्का है, तुम्हारा कॉन्टैक्ट है कि भाई तुम्हारा कोई सुपरवाइजर दोस्त है, मैनेजर दोस्त है, तो तुम्हें कह रहा सिक्योरिटी जॉब लगवा दूंगा, तो भाई हाँ बनवा लो लाइसेंस। और आते ही तुम सिक्योरिटी लाइसेंस बनवा रहे हो, कोई फायदा नहीं उस चीज का, $400 फूकने का। तुम फिर फोर्क्लिफ्ट के भी लोग बनवा रहे हो, फोर्क्लिफ्ट के तुम्हारे $300 का लाइसेंस बन रहा है। अच्छा तो मतलब तुम $700 तो यूं फूक रहे हो भाई, किस बात की फूक रहे हो मुझे नहीं समझ आ रही। ये तो है। अपना जाओ रेज्यूमे बांटो, जॉब ढूंढो। मैं कह रहा हूँ 1000 एजेंसियां यहाँ पे, एजेंसियां तुम्हें कहीं ना कहीं जॉब दिला देंगी। अब तो वैसे ही हम फुल हम अपनी नहीं बोल रहे, एक यूट्यूबर गली एजेंसी। मैं तो सोचता हूँ भाई कभी अपने खोल लूं। मैं तो करो सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी का सोच लेता हूँ, सिक्योरिटी का खोल लूं। इतने लोग हैं, अपनी कंपनी खोल लेता हूँ सिक्योरिटी की। बहुत लोग आ जाएंगे तो सिक्योरिटी की कमी नहीं होगी। नहीं नहीं फिर मैं कह रहा मैं ही जॉब देने शुरू कर दूंगा। अरे भाई बहुत पैसा कमाती है एजेंसियां। मैं कह रहा हूँ अगर ये $25 ले रही है ना कंपनी से, हमें 15 देती है ये, तो मान लो पर घंटा $10 कमा रही है, तो लगा लो मैं 8 घंटे काम करो, $80 तो ऐसी जेब में जा रहे। ये तो यार। और ये रियल एस्टेट का क्या सीन है वहाँ पे, मतलब वहाँ पे ऐसे मार्केट ऐसे? यहाँ पे तो पता है मैं वैसे कंस्ट्रक्शन में काम करता हूँ, मेरे वैसे मैं तो किचन कैबिनेट वाली कंपनी है वहाँ पे काम करता हूँ, तो यहाँ पे तो बिल्कुल स्लो डाउन हुआ पड़ा है रियल एस्टेट का, पूरी मार्केट जो है डाउन पड़ी है कंस्ट्रक्शन का। भाई स्नो में तो वैसे ही बंद हो जाता है, आउटसाइड कंस्ट्रक्शन तो बंद ही है स्नो में, तो इनसाइड चलती रहती है, इनसाइड कम। बाकी थोड़ा उसकी वजह रिसेशन की वजह से भी है थोड़ा। हाँ रिसेशन में और इंटरेस्ट रेट कितने हो गए बहुत ज्यादा। वैसे अब तो हमें बंद कर दिया, लाइक इमिग्रेंट्स तो खरीद नहीं सकते यहाँ पे प्रॉपर्टी। हाँ ये भी है, ये जितने भी लोग पीआर नहीं है वो नहीं खरीद सकते। नया लोग नहीं, मेरे ख्याल से पीआर ये इसका कंफर्म नहीं हो, पर इतना पता है आप लोग कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते अब तो वैसे, क्योंकि यार नहीं नहीं मेरे ख्याल से नॉन कैनेडियन नहीं खरीद सकता, क्योंकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने कहा था कि यहाँ के प्राइस बहुत ज्यादा गया, टोरंटो में बहुत एक्सपेंसिव हो चुके हैं। मैं कह रहा हूँ मिलियंस में घर मिल रहे हैं, तो इसके हाँ मतलब जिसका पीआर नहीं है वो नहीं खरीद सकता ना। हाँ हाँ तो अभी पता क्या हुआ, परसों की बात नहीं, मैं पिछले हफ्ते की बात है, ब्रैम्पटन में घर था, उसकी लाइक प्राइस थी कुछ 1 मिलियन कुछ था, 1 मिलियन 10 लाख 20 लाख थी, मतलब एग्जाम्पल लगा के चलो। तो फिर बोली लगती है हर चीज की, भाई बोली लगी 6.5 लाख पे बिका होगा, 6 मिलियन 30 लाख पे, सॉरी बोली लगी, लोग इतने पागल हो रखे घर लेने के लिए, 1 मिलियन का घर 6 मिलियन में जाके बिका। अरे भाई साहब यहाँ पे कनाडा में पता नहीं, कनाडा में एक चीज तो कांस्टेंट में देखी है पता नहीं पिछले 5-6 साल से कि रियल एस्टेट तो ऊपर ही आता है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं, नीचे हल्का नीचे जाएगा फिर ऊपर चले जाएगा। यहाँ पे लोग इतने आ रहे हैं, घर इतने ज्यादा बन रहे हैं, तो यहाँ पे जितना पता नहीं, यहाँ पे एक तो इन्फ्लेशन भी ऊपर, ऊपर से कहते इंटरेस्ट रेट भी ऊपर, अब कहते घर के प्राइस भी ऊपर जाते रहते हैं, तो घर खरीदना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऊपर से मेरे को लगता है लोगों के लिए सिर्फ 2 ही जगह है कनाडा में, वैंकूवर और लाइक ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया, बीच में तो भाई तुम, मैं कह रहा हूँ लोगों को अगर सलाह भी करनी है ना, तो भाई तुम लोग थोड़ा विनिपेग वगैरह साइड जाओ, नोवा स्कोशिया साइड जाओ, क्योंकि अब वो खाली पड़े हैं, क्योंकि इस साइड तुम आ रहे हो तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही भाई, क्योंकि मैं कह रहा हूँ हमारे टाइम पे आप हम मैं सेम टाइम पे थे, मेरे ख्याल से हम लोग के टाइम पे जॉब मेरे टाइम पे ऐसा था, मुझे कंपनी फोन आते थे प्लीज जॉब पे चल जाओगे, प्लीज जॉब पे चल जाओगे, मजाक नहीं कर रहा सच बता रहा हूँ, 3 कंपनी में फोन आ रहा है दिन में, मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे काम है, चले जाओ परमानेंट काम है। मैं कह नहीं, कह रहे $15 तुम $16 ले लेना पर चले जाओ, और अब क्या हो रहा है लोग मर रहे हैं काम करने के लिए, भाई चलो $10 दे दो काम तो दे दो, क्योंकि यार पब्लिक इतनी आ चुकी है टोरंटो में सब, मैं कह रहा हूँ बहुत ज्यादा पब्लिक आ गया, हद से ज्यादा पब्लिक आ गया, तो देख सकते हो टोरंटो में तो मतलब लोगों को पता ही टोरंटो ही है मेन, तो वैसे वैंकूवर जिसको थोड़ा बहुत और पता होता है तो वो वैंकूवर भी आ जाता है, लेकिन अगर मतलब वैसे अब लोग तो एडमिंटन कैलगरी और बाकी हेलीफैक्स और जगह भी जा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डिप्रेशन में थोड़ा ज़्यादा होता है, मैंने देखा कि जितने भी लोग वहाँ पे गए हैं क्योंकि वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स बहुत कम होते हैं, इंडियंस भी बहुत कम होते हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम होती है, तो लोग डिप्रेस भी ज़्यादा हो जाते हैं और दिक्कत भी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, लेकिन एट द एंड जो है वो तुम्हें पीआर में भी हेल्प करेगा और तुम वहाँ पे इजीली घर भी अफोर्ड कर पाओगे। तो मैं वही कहता हूँ अपना फ्यूचर देखो भाई, लोग सोचते हैं सच बताऊँ क्या सोचते हैं, हमारी इंडियन सिस्टम क्या मेंटेलिटी है, इस साइड आ जाओ इस साइड मजे बहुत हैं भाई, ब्रैम्पटन घूमेंगे ब्रैम्पटन में तो अपने ही मजे है भाई, टोरंटो घूमेंगे टोरंटो में अपने मजे हैं भाई, तुम्हें यहाँ की जॉब नहीं मिल रही, तुम्हें अपनी फीसें देनी है भाई 20-20 हज़ार तुम्हें फीसें देनी है, तुम वो सब नहीं देखते, तुम देख रहे हो कि हाँ भाई मजे करेंगे यहाँ के, मजे तो ब्रो लाइफ आगे तुम्हारी बढ़िया है, क्योंकि कम से कम अगर कोई बंदा आ रहा है कम से कम एवरेज एज 19 से 20 साल का तो होता ही है, अगर तुम इन अगले 3 साल में पीआर भी होते हो तुम लोगों के पास भाई काफी लाइफ बढ़िया, 24 साल की उम्र में तुम पीआर हो, आगे लाइफ पीरियड एंजॉय करना, तुम अपनी मनपसंद गाड़ी लेना, पर यहाँ लोग क्या कर रहे हैं अभी आ रहे हैं भाई आते ही पंपों में देख के भाई उसके पास मस्टैंग है चलो मस्टैंग लेता हूँ भाई, उसका चार्जर है चार्जर लेता हूँ, बस ऐसी गाड़ियों में पैसा फूंक रहे हैं,
तुम्हें पता ही है फिर लाइफ कहाँ जाती है, क्योंकि हाँ ये तो है। जिससे गाड़ी लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं तुम्हें गाड़ियों की मार्केट के बारे में थोड़ा बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अलग अलग डीलर्स है, ठीक है, अलग अलग डीलर्स है। अब भाई तुमने कहा मेरे को मस्टैंग लेनी है, ठीक है, तुम्हें मस्टैंग मिल जाएगी। गाड़ी तुम कोई भी ले लो, चाहे लेने को तुम रेंज रोवर ले लो, तुम्हारी भाई 7 साल वो बन जाएंगे, 7 साल, ठीक है। तुम्हें 7 साल लगा लो मस्टैंग के, कम से कम 350 बाई वीकली देने लगा लो, 700 मंथली तुम्हें निकालने अलग से। उसके बाद तुम्हारी आती है 400, 450 इंश्योरेंस, मतलब 1200 पेट्रोल भी भाई मस्टैंग है, ठीक है, मसल कार है, पेट्रोल बहुत पिएगी, मतलब लगा लो ना ना करते भी $1300 तुम्हें भाई निकालने हैं। अब तुम ये सोचोगे कि मैं भाई पहले फीस निकालूं या $1300 गाड़ी के लिए निकालूं। ये तो है। यहाँ पे ऐसी मेंटेलिटी है, जो टोरंटो आ रहा है ना, पहले ये सोचेगा भाई मैं गाड़ी निकलवाऊंगा, और दूसरों को देख के बहुत जल्दी ये गाड़ी निकलवा लेते हैं। पर मेन फिर यही है, फिर इसी में लोग डिप्रेशन में जाते हैं। हमारी हाँ ये तो है। मेंटेलिटी ठीक नहीं है ब्रो, जो सच बात है। हम लोग एक सच बताऊं, नॉर्थ नॉर्थ इंडियन और मतलब गुजराती लोग भी देखे होंगे, मेरे बहुत गुजराती फ्रेंड्स हैं, उनकी मेंटेलिटी और हम हमारी मेंटेलिटी, मतलब हरियाणा पंजाब इस तरह दिल्ली दिल्ली बहुत अलग है, बहुत ज्यादा अलग है, हद से ज्यादा, ठीक है। मान लो वो लोग पता क्या सोच, वो लोग बढ़िया काम कर रहे हैं, वो लोग पहले तो जॉब बहुत बढ़िया ढूंढेंगे, ठीक है। अगर जॉब ढूंढेंगे तो भाई उस जॉब पे फोकस रखेंगे, ठीक है। घूमने फिरने बहुत कम जाते हैं वो लोग, मतलब मेन होता है कि उनका थोड़ा पैसा कमा के फिर वो इन्वेस्टिंग बहुत करते हैं, इन्वेस्टिंग हद से ज्यादा करते हैं। और हमारी मेंटेलिटी है उड़ाओ, जितना अगर 100 कमा रहे हो तो 90 उड़ाओ, बस यही था। और क्या ही बोलो। ये तो है। तो ये बाकी अपना खुद रिसर्च करो, खुद देखो कहाँ जाना है, कौन सी हाँ जगह तुम्हारे लिए बढ़िया है। मतलब ये दो भी ऑप्शन नहीं है, टोरंटो और वैंकूवर के अलावा भी बहुत 100 ऑप्शन और पड़े हैं, कहीं भी चले जाओ, मतलब यार जहाँ पे तुम्हें लग वो रहा है कि कनाडा आपके हिसाब से देखो, आपको पता है ये बहुत बड़ा कनाडा है, इतना छोटा सा तो नहीं है कि मतलब दिक्कत कोई नहीं है, पॉपुलेशन इतनी आ रही है, बस वही है फिर काम नहीं मिल रहा अभी लोगों को। ऊपर से जैसी ये सर्दियां खत्म होंगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, बर्फ में ना काम बंद हो जाता है, फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। लाइक आप फैक्ट्री में 100 लोग काम कर रहे हैं तो फिर 20 लोग काम करेंगे, 80 लोग को वो फायर कर देते हैं। मेरे कई क्लासमेट्स अभी फायर हो चुके हैं अपने काम से। हाँ ये तो है। तो वही है, एट द एंड तो खुद रिसर्च करनी पड़ती है। मुझे अरे मैसेज बहुत लोग, आपको भी बहुत मैसेज आते बहुत होंगे कि यार ज्यादा। मैं कनाडा आ रहा हूँ और मैं कहाँ पे हूँ, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है ये बता दो, मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, अरे कौन सी ये जगह नहीं बेस्ट पूछते, है। ये पूछते टोरंटो में कौन सा कॉलेज लूँ, ये नहीं पूछते कनाडा में कहाँ जाऊँ, ये पूछते टोरंटो में कौन सा कॉलेज लूँ। और लेकिन ये भी इसका कोई फायदा है नहीं, ये तो खुद रिसर्च करने वाला काम है, क्योंकि हर बंदे प्रोफाइल अलग है अपने हिसाब से, देख कौन सा कोर्स करना है उस हिसाब से देखो, है ना, भाई क्या और कौन सी जगह क्या जाना फायदा है। धक्के खाओगे बाद में पढ़ाई करके, इधर विनीपैग मूव होना पहले ही हो जाओ, जब तक हमारी पढ़ाई होगी तब तक पीआर के चांसेस बढ़ जाएंगे। अपने गोल्स के हिसाब से जहां जाना है वहां जाओ। वही है, मतलब यार एक तो वहाँ के एजेंट्स भी ना गाइड करते ना, एजेंट्स भी अपनी कमीशन देखते हैं, हाँ एजेंट्स का भी। हाँ ये तो है, ये तो सबके साथ ही सीन है। एजेंट्स को पता है हमारी कमीशन टोरंटो वैंकूवर ज्यादा आएगी यहाँ की, ये है। तो यहाँ भेज देते हैं। ये तो लोगों अपने देखना है, बाकी बढ़िया है ये सिटीज, बढ़िया है। तुम पीआर के बाद मूव हो सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पीआर के बाद मूव हो जाओ, मजे करने, पीआर के बाद मूव हो हाँ जाओ। जो आपको पता है, मेरे ख्याल से आपका क्या सीन है वैंकूवर साइड पीआर का, कितने पॉइंट्स ड्रॉ कितना निकलता है आपका, पता नहीं, मैंने तो कभी चेक ही नहीं करा, मैंने तो अभी अभी वर्क परमिट पे आके उसके बाद चेक करेंगे, अभी तो स्टडी परमिट तो क्या ही फायदा चेक करने का। नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो अभी 5510 निकला है, मतलब 510 निकला है, और अगर मैं एज अ 12th में अपने पॉइंट्स गिनू ना, मेरे 400 भी नहीं बन रहे। अरे भाई ग्रेजुएशन वाले के 50 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अच्छा होते हैं, तो ग्रेजुएशन वाला भी 450 तक जाएगा पूरा जोर लगा के। तो तुम अच्छा कहाँ एक्सपेक्ट करते हो कि तुम 510 के ड्रॉ में आ जाओगे, और चलो मान लो तुम्हारे 510 पॉइंट भी हैं, ठीक है, पीआर करने में 1000 लोग फाइल लगा रहे हैं, कम से कम 10-11 हजार लोग, 10 हजार लोग तो लगा ही रहे हैं फाइल, वो वही है, ये तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। उसके लिए तो फिर दोनों दो, दोनों सिटीज का ही, उसके पीआर के लिए तो दोनों ही सिटीज अच्छी नहीं नहीं है, नहीं नहीं वो नहीं, उसके नहीं, लिए नहीं तो फिर वैंकूवर भी नहीं है, मैंने नहीं। वैंकूवर के भी सुना ना, वैंकूवर भी यार सेम ही है, मैं कह रहा हूँ कहने को मतलब कह दे, पर जो मेन जो चीज है ना वो सेम ही है। हाँ हाँ, दोनों मेट्रो सिटीज हैं, वन ऑफ द पर वो कितने बिगेस्ट सिटीज हैं बिगेस्ट सिटी कनाडा है, में। वही है, अपना देख तो लो, और क्या बाकी लंबी तो नहीं होगी वीडियो, हाँ वो तो बहुत लंबी है, बाकी कोई नहीं, आप करते हैं एडिटिंग तो अपलोड, आपको करनी है। पॉडकास्ट बन गई, कोई नहीं, आप पॉडकास्ट बन गया का, चलो ना। बढ़िया, और बताओ कोई बात वो बस बाकी, मुझे लग रहा है यही है बस। बाकी भाई कमेंट में बताना अगर आपको कुछ और डिस्कशन चाहिए, एक और बनाएंगे पॉडकास्ट, बढ़िया
हाँ एक फिर पॉडकास्ट ही बनाएंगे अच्छी वाली, हाँ और अगर पॉडकास्ट सही है ना एक ढंग की वाली, बिल्कुल ऐसे फुल फॉर्म वाली पॉडकास्ट इसमें पूरा जिसमें अपना, बैठ के क्योंकि इंटर यार थोड़ी मेरे ख्याल से कॉन्वर्सेशन हो। हमको 2-2 साल होने वाले हैं तो हमारा एक्सपीरियंस सिस्टम बहुत यहाँ पे है। मेरा नहीं, मुझे तो 8 महीने अच्छा हुए हैं, 8 महीने मैं हो तो गए, अभी अभी चलो आया हूँ, एक अभी 1 साल पहले आया मुझे हूँ। 2 साल होने वाले हैं कुछ महीनों में, हाँ तो मतलब एक्सपीरियंस, चलो एक्सपीरियंस तो है ही है कुछ ना कुछ। तो आपको मतलब कुछ और गाइडेंस चाहिए, जैसे इंडिया में मोस्टली लोग इंडिया में देख रहे होंगे, अगर उन्हें चाहिए कि भाई आगे के डिस्कस करना है कि हम फिर ना अपना बनाएंगे ना हम सोच के कि तुम्हें कॉलेज बताएं, तुम्हें विनीपैग वगैरह के बारे में बताएं, तो फिर तो पूरा पॉडकास्ट आएगा कि हम जिसमें पूरा आपको बताएंगे। तो भाई वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब करना, और भाई को स्पेशल इंस्टाग्राम ऐसा करना कि भाई इसमें पॉडकास्ट चाहिए, कमेंट करके बताओ भाई। हाँ हाँ चलो भाई, हम दोनों को इंस्टाग्राम पे यहाँ पे आईडी आ रही होंगी, दोनों की फॉलो कर लेना, यूट्यूब चैनल का लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में, तो वो सब्सक्राइब कर लेना, और आई होप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी अब किसी और वीडियो मिलते हैं, बिल्कुल ओके भाई।